हाय गाइज़ माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग आर पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में बैक प्रपोगेशन कैसे काम करता है आर में वो पढ़ा अब आज का वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आर के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें फिर कुछ और एडवांस आर्किटेक्चर्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि एल ठीक है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आर को उतना वाइडली क्यों नहीं यूज़ किया जाता और एल जैसे आर्किटेक्चर्स की क्या ज़रूरत है आई एल गिव यू स्लाइट मैथमेटिकल इंट्यूशन ऑफ़ द प्रॉब्लम एंड आई होप आपको समझ में आ जाए ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो हम लोग आर पढ़ रहे थे गाइस और आर के बारे में हमने एक चीज़ समझा था कि आर एन एंस आर अन्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर विच आर स्पेसिफिकली सूटेबल फॉर सीक्वेंशियल डेटा राइट अगर कभी भी डेटा किसी भी तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो आर एन उस तरह के डेटा के लिए बहुत सही होते हैं सीक्वेंशियल डेटा का एग्जाम्पल था टेक्स्टुअल डेटा या फिर टाइम सीरीज डेटा कुछ भी ऐसा डेटा जहाँ पर पहले वाले डेटा uh, पॉइंट के ऊपर आगे वाले डेटा पॉइंट्स डिपेंड करते हैं ठीक है बट वॉट इफ आई टेल यू कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आर उतने ज़्यादा यूज नहीं होते दे आर नॉट यूज दैट मच और उसका रीज़न ये है कि आर एन एंस दे सफ़र फ्रॉम टू मेजर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जनरली स्पीकिंग आप आर्यनस को उतना यूज नहीं करते सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर बट कुछ और आर्किटेक्चर्स हैं आप उनको यूज करते हो जैसे कि एल जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि आर्यनन्स कौन सी दो प्रॉब्लम्स से स्ट्रगल करते हैं और क्यों एल जैसे आर्किटेक्चर्स की जरूरत पड़ी ठीक है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एल डिटेल में पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको एटलीस्ट ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वॉट इज द नीड ऑफ एल एस टी एम बिकॉज एल एस टी एम्स इसीलिए आए क्योंकि आर एन एन्स आर नॉट वेल सूटेड दे हैव सर्टन प्रॉब्लम्स ठीक है तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि वो दो प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे सो प्रॉब्लम नंबर वन है Uh, इसको बोला जाता है द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ठीक है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी एंड प्रॉब्लम नंबर टू इज द प्रॉब्लम ऑफ अनस्टेबल ग्रेडियंट्स दीज आर द टू प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आर को उतना यूज नहीं किया जाता ठीक है अब ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये एक सिंगल फैक्ट से निकल के आती हैं और वो है अनस्टेबल ग्रेडियंट्स राइट अब आई नो अभी तक आपको शायद चीजें समझ में नहीं आई होंगी लेट मी एक्सप्लेन ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या हैं और व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ अनस्टेबल ग्रेडियंट्स ठीक है लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर वन, द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ठीक है तो आरएनएनस में क्या होता है कि आपके पास सीक्वेंशियल डेटा होता है राइट right? जहां पे आगे वाला डेटा पीछे वाले डेटा के ऊपर डिपेंड करता है राइट right? अब आरएनएनस में क्या प्रॉब्लम नोटिस किया गया है कि अगर ये सीक्वेंस बहुत बड़ा हो जाए एज इन इसमें नंबर ऑफ जो टाइम स्टेप्स हैं वो अगर बहुत बढ़ जाएं तो ये जो आगे वाली चीज़ है वो बहुत पुरानी चीज़ों को याद नहीं रख पाती इट्स लाइक like आमिर खान फ्रॉम गजनी कि उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो भूल जाता है चीज़ों को सिमिलरली यहाँ तक जैसे आप पहुँचोगे तो आप यहाँ वाली चीज़ को भूल जाओगे दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ठीक है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि लेट्स हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन में हमें नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है आपने इस तरह के की पैड्स यूज किए होंगे एंड्रॉइड फोन्स में सो so, जैसे कि लेट्स से आप एक सेंटेंस दे रहे हो कि मराठी इज स्पोकन इन महाराष्ट्र राइट तो ये मराठी पे ये महाराष्ट्र वर्ड डिपेंड कर रहा है बट दिस इज शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी वाई बिकॉज दिस सेंटेंस इज वेरी स्मॉल इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ फाइव वर्ड्स तो इसको शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी बोला जाएगा बिकॉज ये वर्ड बहुत दूर के वर्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा बस तीन वर्ड्स पीछे वाले वर्ड पे डिपेंड कर रहा है वेर एज देर कुड बी वन मोर सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस कुड बी महाराष्ट्र Is a beautiful place. I went there last year, but I could not enjoy it properly because I don't understand. फिल इन द ब्लैंक ऑब्वियसली यहां पे मराठी आएगा राइट right. बट अगर आप नोटिस करो तो ये जो मराठी है ये इस वर्ड पे डिपेंड कर रहा है एंड नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बिकॉज बीच में यू कैन सी देर आर सेवरल टाइम स्टेप्स देर आर सो मेनी टाइम स्टेप्स राइट तो आर एन एन इस तरह के सिचुएशन में फेल कर जाएगा अगर आप आर एन एन को यूज करके एक की पैड बनाओगे एंड्रॉइड का तो वो इस तरह के लॉन्ग सेंटेंसेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इस तरह के सेंटेंसेज में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा तो इसी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम स्टेप की चीज़ बहुत पहले के किसी टाइम स्टेप की चीज़ पर डिपेंड करती है तो आर के पास उतना मेमोरी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी पुरानी चीज़ को याद रख पाए और ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है ये एक कॉन्सेप्ट से अराइज होती है जिसको बोला जाता है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और ये हम पहले पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आर एन एंस कैसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आती है ठीक है सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ये डिस्कस किया दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम अब मैं आपको बताता हूं वॉट इज द सेकेंड प्रॉब्लम द सेकेंड प्रॉब्लम एक्चुअली यहां पे अनस्टेबल ग्रेडियंट नहीं लिखना चाहिए था मुझे मुझे लिखना चाहिए था स्टैग्नेटेड uh, ट्रेनिंग ठीक है स्टैग्नेटेड ट्रेनिंग का मतलब कि कई बार क्या होता है कि आप आर को प्रॉपरली ट्रेन ही नहीं कर पाते ठीक है मतलब आपका जो आर एन एन है वो आपको सही रिज़ल्ट नहीं देगा लॉस फंक्शन इम्प्रूव नहीं करेगा और बेसिकली ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाएगी और इसका एक और रीज़न होता है और वो होता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये भी हमने पास्ट में डिस्कस कर रखा है और ये भी हम आज डिस्कस करेंगे कि आर कैसे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं जिसकी वजह से उनका ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाता ठीक है एंड नॉट ओनली दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल सोल्यूशंस जो इन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकता है ठीक है तो आज का सेशन विल बी ऑल अबाउट दिस सो गाइज अब हम लोग दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में ना थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आई एल गिव यू अ स्लाइट मैथमेटिकल इंट्यूशन की ये दोनों प्रॉब्लम्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं ठीक है और uh, मैं बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा बिकॉज अगेन आई थिंक वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है तो आई एल जस्ट गिव यू इनफ मैथमेटिकल इंट्यूशन कि आप समझ पाओ कि क्यों प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी आती है बिकॉज ऑफ वैनिश इंग्रेडियंट प्रॉब्लम ठीक है तो लेट्स स्टार्ट ओके तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो याद होना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड इस प्ले का आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखो जहाँ पर मैंने आपको बैक ट्रपोकेशन थ्रू टाइम समझाया था और ये बताया था कि आर ट्रेन कैसे होते हैं ठीक है आई जस्ट गिव यू स्लाइट समरी ऑफ द एंटायर प्रोसेस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास इनपुट में

एज़ वन टाइम स्टैम्प सो टोटल मिला के इस डेटा में दे रहा थ्री टाइम स्टैम्प्स ठीक है और हमने क्या किया हमने इस प्रॉब्लम के लिए एक आर एन एन आर्किटेक्चर बनाया जो ऐसा दिखाई देता है सो so, यहाँ से इनपुट जा रहा है यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है ये आपका हिडन यूनिट है और इसके अंदर सिर्फ एक नोड है इसका मतलब अगर आप इस आर्किटेक्चर को प्रॉपरली ड्रॉ करो तो इट वुड लुक लाइक दिस सो दिस इज़ द यूनिट यहाँ पे आपको इनपुट मिलेगा सो so पहली बार आप यहाँ पे वन दोगे फिर आप यहीं पे ज़ीरो दोगे फिर आप यहीं पे वन दोगे तीन बार यहाँ से इनपुट जाएगा ये आपका जो वेट है ये है वेट इनपुट ठीक है ये जो आपका वेट है ये है वेट आउटपुट और फिर ये एक सिंगल वेट है जिसको आप बोल सकते हो डब्ल्यू एच एज इन वेट हिडन ठीक है तो ये आपका आर्किटेक्चर है इसको मैंने जानबूझ के सिंपल रखा है यहाँ पर एक ही वेट रखा है और यहाँ पे भी एक ही वेट रखा है जनरली ये मेट्रिक्स होता है बट यू गेट द आइडिया ठीक है अब हमें क्या करना है हमें एक इस आर को ट्रेन करना है इस डेटा के ऊपर तो होता क्या है बेसिकली कि आपका जो आर होता है वो अनफोल्ड होता है जितने भी टाइम स्टेप्स होते हैं उतनी बार सो so, ये आर में तीन टाइम स्टेप्स हैं तो ये पहली बार इसको ओ नॉट मिलेगा विच इज़ बेसिकली एन इनपुट ऑफ जीरो यहाँ से आपको एक्स आई वन मिलेगा मतलब ये वाला इनपुट और फिर आप आगे बढ़ोगे अगले टाइम स्टेप में जाओगे टाइम स्टेप टू में यहाँ से एक्स आई टू मिलेगा ये वाला इनपुट और यहाँ से आप ओ वन कैलकुलेट करके भेजोगे यहाँ से आप ओ टू कैलकुलेट करके भेजोगे यहाँ से आप एक्स आई थ्री भेजोगे विच इज़ दिस आउटपुट दिस इनपुट और इससे आपको ओ थ्री मिलेगा और ओ थ्री को आप यूज़ करोगे वाई हैट कैलकुलेट करने में अब यहाँ पे अगर आप वेट्स की बात करो तो ये रहा WN, एन ये रहा WN, एन ये रहा WN, एन ये रहा आपका डब्लू आउट और ये रहा WH, एच ये भी WH एच और ये भी WH एच ठीक है ये आपका पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है आ, इस लॉस से ही आप इस वाई हैट से आप लॉस फंक्शन कैलकुलेट करोगे अब बेसिक फंडा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में और इसके पहले भी कई बार कर चुके हैं कि बैक प्रोपेशन में आप करते क्या हो आप लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने वाले वेट वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हो सो बेसिकली आपको डब्ल्यू एच डब्ल्यू इन और डब्ल्यू आउट की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिसके लिए लॉस मिनिमम हो ठीक है और ये तरीका ये निकालने का तरीका होता है ग्रेडियंट डिसेंट राइट ग्रेडियंट डिसेंट ग्रेडियंट डिसेंट में आप क्या करते हो आपके पास तीन इक्वेशंस हो जाती हैं पहला इक्वेशन है डब्लू इनपुट इज इक्वल टू डब्लू इनपुट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डेल एल बाय डब्लू इनपुट डब्लू आउटपुट इज इक्वल टू डब्लू आउटपुट माइनस लर्निंग रेट ऑफ डेल एल बाय डब्ल्यू आउटपुट ठीक है और फाइनली डब्ल्यू हिडन इज इक्वल टू डब्ल्यू हिडन माइनस लर्निंग रेट ऑफ़ डेल ऑफ डब्ल्यू हिडन ठीक है अब आप इनिशियल वैल्यूज़ लेते हो डब्लू इन डब्ल्यू आउट और डब्ल्यू एच का और फिर आप क्या करते हो आ, पहली बार वाई हैट कैलकुलेट करते हो लॉस निकालते हो और लॉस के रिस्पेक्ट में आप ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हो और इन डेरीवेटिव से आप बार बार इन वैल्यूज़ को अपडेट करते हो ठीक है फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ई ये सब आपको पता है अब मेन जो बात आती है वो आती है जब आप इन डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने जाते हो ठीक है यहीं पर मेन फंडा है ठीक है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था कि आप जब डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने जाते हो स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इन एंड डब्ल्यू एच तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर आप डेल एल बाय डेल डब्ल्यू इन निकालने जाते हो तो एक्चुअली ये जो लॉस है ये इस डब्ल्यू इन पे भी डिपेंड कर रहा है इस डब्ल्यू इन पे भी डिपेंड कर रहा है और इस डब्ल्यू इन पे भी डिपेंड कर रहा है एंड इस इसकी वजह से ये जो पूरा फार्मूला बन जाता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री दिस आउटपुट और डेल थ्री बाय डेल डेल डब्ल्यू एन ठीक है बेसिकली आपने अभी सिर्फ इस वाले को कंसिडर किया फिर आप इस पूरे पाथ को भी कंसिडर करोगे तो इस केस में ये बन जाता है डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री डेल ओ थ्री बाय डेल ओ टू एंड देन डेल ओ टू बाय डेल डब्लू इन और अब ये लास्ट आप इस बात को भी कंसिडर करोगे तो ये बन जाएगा डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री डेल ओ थ्री बाय डेल ओ टू डेल ओ टू बाय डेल ओ वन एंड डेल ओ वन बाय डेल डब्लू इन अब यहां से देखो कई यहां से मेन डिस्कशन स्टार्ट होता है ये सब हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था अब अगर आप नोटिस करो कि ये डेरीवेटिव हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं या आप ऐसे बोल सकते हो कि W इन की वजह से लॉस में क्या चेंजेस आते हैं ये कैलकुलेट करने आप जा रहे हो तो यहां पे तीन टर्म्स हैं देर आर थ्री टर्म्स राइट वन फॉर दिस डब्ल्यू एन वन फॉर दिस डब्ल्यू एन वन फॉर दिस डब्ल्यू एन अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला जो टर्म है ये इस डब्ल्यू एन के लिए ये वाला जो टर्म है ये इस डब्ल्यू एन के लिए है और ये वाला जो टर्म है ये इस वाला डब्ल्यू एन के लिए अब वॉट इफ आई टेल यू कि आप इसको शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी बोलोगे और इसको एटलीस्ट कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बोलोगे सोच के देखो सो so, ये जो वर्ड है या ये जो इनपुट है ये सबसे दूर है आउटपुट से तो इसकी वजह से या इस वेट की वजह से इस लॉस फंक्शन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो ये ये टर्म है तो ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है दूर की डिपेंडेंसी है वेराज ये वाला जो है ये इस पर्टिकुलर लास्ट इनपुट की वजह से आपके आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे यह निकालने का तरीका है तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी अब मैं आपको एक बार इमेजिन करवाना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ तीन टाइम स्टेप्स हैं एक नॉर्मल प्रॉब्लम में हो सकता है देर वुड बी हंड्रेड टाइम स्टेप्स देर वुड बी हंड्रेड टाइम स्टेप्स इन दैट केस आई होप यू आर एबल टू इमेजिन कि आपका ये लास्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी वो कैसा दिखेगा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ आपका लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऐसा दिखाई देगा डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल आउटपुट हंड्रेड डेल आउटपुट हंड्रेड बाय डेल आउटपुट नाइन्टी नाइन डॉट 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 डेल आउटपुट टू डेल आउटपुट वन डेल आउटपुट वन डेल डब्लू इन ये बन जाएगा आपका लास्ट टर्म सिमिलरली आप सेकेंड लास्ट टर्म में नाइन्टी नाइन आउटपुट से चलोगे थर्ड लास्ट टर्म में नाइन्टी एट आउटपुट से चलोगे यू गेट द आइडिया लॉन्ग टर्म ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है अब मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जब आप ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करने जाते हो तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपके लॉन्ग टर्म वाले डिपेंडेंसीज हैं ये बहुत छोटे हो जाते हैं और उसकी वजह से ये निकालने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शॉर्ट टर्म वालों का होता है लॉन्ग टर्म वालों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता ही नहीं है सो तो अभी मैं आपको ये प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि जितना बड़ा आपका ये टर्म बनेगा जितने ज़्यादा टाइम स्टेप्स होंगे आपका जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है वो उतना छोटा होता जाएगा और उसकी वजह से डेरिवेटिव निकालने का सारा का सारा जिम्मेदारी शॉर्ट टर्म वालों पे आ जाएगा और शॉर्ट टर्म ही कैलकुलेट कर पाओगे लॉन्ग टर्म समझ ही नहीं आ पाएगा आपके आ को ठीक है so, सो ध्यान से देखो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं सो वॉट आई विल डू इस मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ हंड्रेड और यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ मैं ये नोटेशन डाल रहा हूँ डेल ओ टी डेल ओ टी माइनस वन डेल ओ वन डेल डब्ल्यू इन सो बेसिकली मैंने क्या किया इतने पूरे टर्म को कंप्रेस करके ऐसे लिख दिया वेयर टी इज इक्वल टू 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 हंड्रेड देखना समझने की कोशिश करना मैंने बस क्या कर दिया इस पूरे टर्म को कंप्रेस करके ऐसे लिख दिया और मैं कर सकता हूँ इफ़ यू थिंक केयरफुली जैसे आप इस टर्म को एक्सपैंड करोगे आपको क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा डेल ओ टू डेल ओ वन मल्टीप्लाइड बाय डेल ओ थ्री डेल ओ टू डेल ओ फोर डेल ओ थ्री डॉट 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 डेल ओ हंड्रेड डेल ओ नाइन्टी नाइन सो बेसिकली जो हमने यहाँ लिखा था उसको बस उल्टा करके लिखा है राइट right. कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन है आप कर सकते हो अब इस तरीके से लिखने का फायदा क्या है कि हमें ये टर्म मिला और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म क्या है ये डेरिवेटिव है ओ टी का विथ रिस्पेक्ट टू ओ टी माइनस वन मतलब ओ टी माइनस वन में चेंजेस करने पे ओ टी पे कितना फर्क पड़ता है राइट right. अब यहाँ पे देखो हमारे पास ओ ज़ीरो है ओ वन है ओ टू है ओ थ्री है तो अगर ये बहुत बड़ा टाइम स्टेप्स होते तो जेनेरिक ओ टी को निकाला कैसे जाता जैसे कि यहाँ पर देखो आप ओवन कैसे निकालते हो ओवन आप कैसे निकालते हो ओवन आप ऐसे निकालते हो अगर आपको याद होगा आर एन एन का फर्स्ट वीडियो तो ओवन निकालने का तरीका ये होता है टन एच ऑफ ओवन निकालना है ना तो दिस इनपुट मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू इन एक्स आई वन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू इन प्लस ओ जीरो मल्टीप्लाइड बाय डब्लू एच यह होता है ना तरीका राइट right. तो सिमिलरली अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा ओ टी इज इक्वल टू टैन एच ऑफ एक्स आई वन या फिलहाल एक्स आई लिख देते हैं या एक्स आई टी लिख देते डब्ल्यू एन प्लस ओ टी माइनस वन डब्ल्यू एच राइट बट मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है डेल ओ टी बाय डेल ओ टी माइनस वन तो बेसिकली मुझे इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओ टी माइनस वन और ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ this टैन एच फंक्शन डेरीवेटिव ऑफ दिस टैन एच फंक्शन एक्स आई टी डब्लू एन प्लस ओ टी माइनस वन डब्लू एच और फिर आप इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ओ टी माइनस वन और आपको मिल जाएगा डब्लू एच राइट अब शायद आपको ये बात पता होगी कि डेरिवेटिव ऑफ टैन एच इस जीरो से वन के बीच में और डब्लू एच कितना वैल्यू है हमारे ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज वी आर इनिशियलाइजिंग इट तो वॉट वी विल डू इस हम इस टर्म को इसमें रिप्लेस करेंगे और आप देखोगे कि आपका जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है वो ये बन जाता है डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ लेट से हंड्रेड ले लिया हमने हंड्रेड टाइम स्टेप्स के लिए आपका ये मल्टीप्लीकेटिव सिंबल हंड्रेड तक जा रहा है और इस पूरी चीज को हम ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एन एच ठीक है अंदर ये वाला टर्म जो भी है मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू एच और मल्टीप्लाइड बाय डेल ओ वन बाय डेल डब्ल्यू इनपुट अब देखो सोच के देखो मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने ये जो डब्ल्यू एच था ये एक ऐसा नंबर लिया जो जीरो से वन के बीच में थोड़ी देर के लिए मान लो ठीक है तो इट मीन्स आपका ये नंबर इज बिटवीन जीरो एंड वन दिस नंबर इज बिटवीन जीरो एंड वन राइट एंड नाउ दिस टाइम स्टेप इज वेरी लार्ज लाइक हंड्रेड और मोर इन दैट केस अगर आप हंड्रेड से ज़्यादा इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस एंटायर थिंग दिस एंटायर थिंग

और जैसे ही शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इसका एक ही मतलब है कि आपका जो आउटपुट है आपका जो आउटपुट है उसको निकालने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रीसेंट वाले इनपुट्स का है दूर वाले इनपुट्स का नहीं है और यही हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यही होता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम कि यहाँ वाले वर्ड को निकालने के लिए यहाँ वाले वर्ड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है दूर वाले वर्ड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया कि बाय द वे दिस इज़ वैनिशिंग इंग्रेडियंट प्रॉब्लम राइट इफ़ यू थिंक केयरफुली दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैनिशिंग इंग्रेडियंट प्रॉब्लम जहाँ पे जितना बड़ा आपका टाइम स्टेप्स हो रहा है या जितना बड़ा आपका न्यूरल नेटवर्क हो रहा है आपके दूर वाले ग्रेडियंट्स उतनी छोटी वैल्यू हो रहे हैं राइट right? दिस इज़ वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम राइट तो ये जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम है इट कम्स बिकॉज ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ठीक है नाउ लेट मी टेल यू आप क्या करके इस प्रॉब्लम को रिड्यूज कर सकते हो सो लेट मी गिव यू टू थ्री पॉसिबल सोल्यूशंस जिसको यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को शायद रिड्यूज कर सकते हो द फर्स्ट वन इज़ टू यूज़ अ डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन राइट right. सो so, आप देखो ये जीरो से वन आ रहा था टेनएच का डिफ्रेंसीशन का वैल्यू वॉट इफ वी यूज समथिंग लाइक रेल्यू और ली की इनका डेरिवेटिव इज नॉट इन द रेंज ऑफ जीरो से वन राइट right? तो यू कैन यूज दैट दैट वुड बी वन सोल्यूशन सेकेंड सोल्यूशन इज बेटर वेट इनिशियलाइजेशन ये वेट को अगर आप जीरो से वन ले रहे थे तब भी प्रॉब्लम हो रहा था वॉट इफ़ आप इसको ओनली वन ले चलो ठीक है आपके पास एक वेट मेट्रिक्स है यू कैन क्रिएट अ आइडेंटिटी मेट्रिक्स क्योंकि आइडेंटिटी मेट्रिक से कुछ भी मल्टीप्लाई होने पे वही आता है एटलीस्ट उसको खराब नहीं करेगा तो यू कैन हैव बेटर वेट इन इनिशलाइजेशन टेक्निक्स थर्ड यू कैन यूज स्लाइटली डिफरेंट आर्किटेक्चर्स लाइक स्किप आर एन एनस अब ये स्किप आर क्या होते हैं ऑनेस्टली मैं आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहा uh, एक बार गूगल करना यू विल गेट सम गुड आर्टिकल्स बट स्किप आर को भी लोगों ने ट्राई आउट किया है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड द फोर्थ वन इज़ की <laughs> छोड़ो आर लेट्स मूव टू एल टाइप का आर्किटेक्चर एंड पीपल डू दैट राइट मतलब एल जब से डिस्कवर हुए हैं दे हैव कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड बेटर दैन आर एन एन तो लोगों ने बोला हटाओ आर एन एन लेट्स मूव एंड लेट्स फोकस ऑन एल एस टी एम्स ठीक है तो आई होप दीज आर सम ऑफ द सोल्यूशंस जिनको आप इम्प्लीमेंट करके ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा इराडिकेट कर सकते हो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम एंड दैट इज अनस्टेबल ट्रेनिंग जो कि एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट्स की, की वजह से होता है सो so, इसमें बिल्कुल ठीक उल्टी चीज़ होती है ठीक है सो वॉट इफ ऐसा हो कि आपका जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है वो इतना बड़ा हो जाए कि वो शॉर्ट टर्म को काइंड ऑफ डोमिनेट करने लग जाए इनफैक्ट ये इतना बड़ा हो जाए कि इन्फाइनाइट हो जाए उसकी वजह से फिर आपका ग्रीडियंट अपडेट इन्फाइनाइट हो जाएगा और फिर आपके वेट्स इन्फाइनइट हो जाएंगे और बेसिकली आपका मॉडल ट्रेन होगा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है कब एक दो केसेस मैं आपको बताता हूँ सो so, इसी केस को लेते हैं मान लो आपने टैनेज के बदले रेल्यू यूज़ कर लिया अब रेल्यू में आपका डेरिवेटिव कुड बी एनी पॉजिटिव नंबर राइट अगर पॉजिटिव है और उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यूल गेट समथिंग पॉजिटिव एंड लेट्स से आपने वेट्स को वन से इनिशलाइज कर रखा है तो आप जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे दिस नंबर विल बिकम अ वेरी वेरी लार्ज नंबर राइट एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस एंटायर टर्म विल ब्लो अप और इसके ब्लो अप होने की वजह से अब ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करने में आप सिर्फ इसी का डोमिनेशन देखोगे जिसकी वजह से ये डब्ल्यू इन और डब्ल्यू एच बहुत बड़ा हो जाएगा और ट्रेनिंग रोक जाएगा। be, आपका ट्रेनिंग रुक जाएगा सेकेंड रीजन कुछ भी आपका लर्निंग रेट अगर ज़्यादा है उससे भी एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ सकता है और इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका ट्रेनिंग विल बिकम अनस्टेबल और आपका जो मॉडल है वो सही से ट्रेन होगा ही नहीं राइट एंड इसी को बोला जाता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और ये भी उतना ही रिस्की है ठीक है दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से डिफॉल्ट में आप आरएनएन एन में नोटिस करोगे लोग रेल्यू को नहीं रखते टैनेज को रखते ठीक है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पहला कि देर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रेडियंट क्लिपिंग सो ग्रेडियंट क्लिपिंग का मतलब हुआ कि आप अपने ग्रेडियंट्स को एक मैक्सिमम वैल्यू पे क्लिप कर देते हो आप बोलते हो इससे बढ़ाना नहीं है इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए तो इट हेल्प्स राइट इट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस सेकंड इज टू हैव अ कंट्रोल्ड लर्निंग रेट लर्निंग रेट भी अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो ब्लो अप कर सकता है पूरा का पूरा ग्रीडियंट और आपका ट्रेनिंग अनस्टेबल हो सकता है एंड थर्ड अगेन इज छोड़ दो आर एन एन लेट्स मूव टू एलेस्टियम्स और वहाँ पर आपको ये परेशानी नहीं होगी ठीक है तो इन समरी लेट मी समराइज द एंटायर थिंग आर एन एन सीक्वेंशियल डेटा पर काम तो कर पाते हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें दो प्रॉब्लम्स हैं पहला लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी कैप्चर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम एंड इन सर्टन सिनारीोज दट ट्रेनिंग इज़ अनस्टेबल ट्रेनिंग होता ही नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सो बेसिकली अनस्टेबल ग्रेडियंट से परेशान है आर एन एनस ठीक है मैंने उसका आपको एक छोटा येट समझने लायक मैथमेटिकल इंट्यूशन दिया और ऑन द होल बेसिकली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आर एन एन छोड़ते हैं एल एस टी एम की तरफ मूव करते हैं बिकॉज वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और एक्चुअली रियल वर्ल्ड में बहुत यूज़ होता है ठीक है तो आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ में आया अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय